नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज विश्व सिनेमा दिवस के अवसर पर आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान हैं सीतापुर के ऐसे कलाकार जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। ग्रामीण परिवेश के इन कलाकारों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के साथ इसका डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग के साथ पूरा काम किया है। आइए हम इन जो फिल्म बनाने वाले कलाकार हैं इनसे रूबरू होते हैं कि इस फिल्म को बनाने में कितना समय लगा, फिल्म का नाम क्या है और फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम बात करते हैं द जॉम्बी अटैक जो शॉर्ट फिल्म है उसमें जो मुख्य किरदार है जॉम्बी वायरस का, वो करने वाले अंकुल पाल से। तो अंकुल बताइए कि जब आप वायरस बने, जॉम्बी वायरस, तो कैसा अनुभव रहा आपका? पहले तो मैं आई इंडिया का धन्यवाद देता हूँ जो आज हमें इस पर्दे पे लाया। और जब मैं जॉम्बी बना तो हमारे राज सर ने हमको बहुत अच्छी तरीके से मेकअप किया, जिसे देख के आदमी अगर रात को देखे तो हकीकत में डर जाए। इसी और इस मूवी में हमने जॉम्बी का रोल किया है और अदरवाइज मूवी जो बनी है हमने रीड रोल किया है। और आई इंडिया के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा तहे दिल से कि हमारा चैनल है टीम द ड्रीम 7.0, इसको सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। तो जॉम्बी वायरस का किरदार निभा रहे अंकुल पाल का कहना है कि उन्हें इस तरह से मेकअप किया गया कि अगर रात में कोई देख ले तो उसे देखकर डर जाए। आइए हम बात करते हैं इस शॉर्ट फिल्म की मेकिंग में अहम किरदार निभाने वाले राज शुक्ला से। तो राज बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और यह किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है? जी, पहले तो मैं आई इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आया और मेरी जो मूवी है उसके बारे में मुझे बताने का कुछ मौका मिला। तो इस मूवी का नाम है द जॉम्बी अटैक और इसको शूट करने में 4 से 5 दिन लगा क्योंकि जंगलों में हम लोगों ने शूट किया है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आई और 4 से 5 दिनों में मैंने इस मूवी को कम्प्लीट कर लिया है। तो फिल्म का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है और कहाँ से आपको ये फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली? जी, मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी तो उसमें जॉम्बी जो कैरेक्टर थे, मतलब जॉम्बी का, तो मैंने सोचा कि इस पर एक मूवी मैं लिखता हूँ शॉर्ट मूवी, तो मैंने लिखी। और इसका जो कॉन्सेप्ट है कि एक वायरस है जो कि इस शहर में फैल जाता है और तो एक जो तीन लोग लीड रोल कर रहे हैं तो उसके साथ में कोई लालच के चक्कर में कोई अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है और कोई इस शहर से निकलना चाह रहा है, तो इस वायरस से बचने के लिए सब अपनी अपनी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल्म जो है, फिल्म का नाम है द जॉम्बी अटैक और यह एक वायरस पर आधारित है और ग्रामीण परिवेश के से निकले ये राज शुक्ला हैं जिन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग की है और इस वायरस से कैसे बचा जाए इसमें ये दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं फिल्म में अभिनय करने वाले अभिषेक सिंह से। अभिषेक बताइए कि आपने फिल्म में अभिनय किया है, क्या रोल आपका रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आई इंडिया को और सेकंड प्रियांशु भैया को, यहाँ पे हमको बुलाया, इनवाइट किया। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा रोल है वो एक एक्टिंग का है, वहाँ पे जो हमारी जो एक्टिंग है वो एक हमारी जो फैमिली होती है उसको मैं सर्च आउट करता हूँ। तो ये जो हमारी शूट हुआ है, ये लोकेशन हमारी है, ये जो फर्स्ट हमारी लोकेशन है एक मोहली में उर्दौली सा कस्बा है, वहाँ एक बड़ा सा जंगल है कोठी वाला, वहाँ शूट हुआ है। उसके बाद जो दूसरी शूट हुआ है वो बिहटगढ़ में हुआ है और जो लास्ट शूट हुआ है वो एक बहुत घने जंगल में हुआ है, मिश्रिक के धंधारी जंगल में। और वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, भूख भी बहुत सारी लगी थी और भूख के लगने के बाद ये उत्साहित हुआ कि मतलब उसमें एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती थी क्योंकि जब भूख लगती है तो जोश भी होता है कि अब जल्दी कर लो, भूख लगी है। वहाँ तो 9-10 बजे तक हमारी शूट हुई है, काफ़ी 4-5 दिन तक हमारी शूटिंग चली है और काफ़ी अच्छा भी लगा है, थैंक यू। तो फिल्म जो है, ये फिल्म में एक फैमिली मैन बने हुए हैं और सबसे प्रमुख बात है कि सीतापुर के ग्रामीण परिवेश में ये फिल्म शूट हुई है, तो अभिषेक कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, एक्टिंग की कहाँ से प्रेरणा मिली? एक्टिंग की हमें जो प्रेरणा मिली है वो सुशांत सर से मिली है जो यहाँ से अब नहीं है, लेकिन हम भी अभी जो हैं हम गुरु उनको मानते हैं, हम उनको ही लेकर अभी चल रहे हैं, उनसे ही सब कुछ अभी भी सीखते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देखे, उनकी मोटिवेट देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, सब कुछ उन्हीं से अभी भी सीखते हैं। तो बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज अभिनेता जो सुशांत सिंह हैं वो हमारे बीच ज़रूर नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्में ज़रूर प्रेरणा स्रोत युवाओं के लिए हैं। तो अभिषेक हैं हमारे साथ, इन ये जो है सुशांत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और भविष्य में उन्हीं को देख के आगे जाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म में लीड रोल निभाने वाले हर्षित शर्मा से। तो युवा हर्षित शर्मा से जानते हैं कि फिल्म में इन्होंने क्या रोल किया है और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये समाज को। सबसे पहले थैंक यू आई इंडिया को और आपको जो आपने यहाँ पे बुलाया हमें,
तो हमने इस फिल्म में लीड रोल किया है, तो उसमें मतलब जो स्क्रिप्ट थी तो उसमें मुझको बताया गया था कि मुझको क्या क्या करना है। तो मैं जंगलों में शूटिंग किया हूँ, मतलब रात में 9-10 बजे तक की शूटिंग चल रही थी, जिसमें मतलब डायरेक्टर कर रहे थे, मतलब सुबह जाते थे शाम तक आते थे, और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो इसमें मेरा रोल था कि मैं जंगलों में जो लोग ख़त्म हो गए थे, जिनको जिनके ऊपर वायरस का अटैक हो गया था, तो उन मैं एक लालच के चक्कर में दौड़ रहा था कि मुझको पैसे वहाँ से कलेक्ट करने थे, जो उनके पास में जो पैसे था वो निकाल ले, जो उनके जेवरात थे वो मुझको इकट्ठा करना था, क्योंकि हमको पता था इन फ्यूचर अब कुछ बचेगा नहीं, तो शायद वो पैसे मेरे कुछ काम आ जाएँ। तो मुझको वही सब देख रहे थे कि जंगलों में कौन कहाँ पर कौन सी बॉडी पड़ी है, तो उसको लेना है। तो उसी में मेरे ऊपर बहुत सारा अटैक हुआ। तो ये मूवी मतलब बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप लोग देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। तो फिल्म में लीड रोल निभाने वाले हर्षित शर्मा का इस पिक्चर में लीड रोल है, और उनका कहना है कि ये फिल्म ज़रूर देखें और सीतापुर के इन कलाकारों को प्रमोट करें। अब हम बात करते हैं फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण एडिटिंग करने वाले एडिटर महेंद्र से, जानते हैं कि महेंद्र ने फिल्म को कैसे एडिट किया और किन चीज़ों पर फोकस किया है। तो महेंद्र, फिल्म में क्या आपने मुख्य क्या रहा जब आपने एडिटिंग, तो उसमें मुझ चीज़ क्या देखी? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आई इंडिया को, जिसने एक छोटे से गांव के लड़के को इतने बड़े चैनल पे जो है आने का मौका दिया। और अभी बात की है तो मैं इस चैनल का एडिटर हूँ, और इस मूवी की एडिटिंग हम और शैलेंद्र सिंघानिया, जो कि हमारे डायरेक्टर सब हैं, और हम लोगों ने मिलकर की है। अभी जो आज 22-23 तारीख है, हम लोगों ने इसका आज ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जो कि ट्रेलर को एडिट करने में लगभग हमको 2 दिन लग गए। और मूवी जो है आप लोगों के बीच बहुत ही जल्द आ जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, और हम लोगों ने पूरी टीम ने मिलके इस मूवी को जो है डायरेक्ट किया है, पूरी टीम हमारा मिलके वर्क करती है। और इस मूवी के जितने भी एक्टर डायरेक्टर जितने भी हैं, सब सीतापुर के आसपास के गांव के हैं, छोटे से गांव के। तो बस यही कहना चाहूँगा, और जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर इस मूवी को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, और अपनी राय जरूर बताइएगा कैसी मूवी लगी आपको। तो ये फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जाएगी और कब रिलीज़ की जाएगी? जी, ये आएगी 25 तारीख को, और आएगी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टीम द ड्रीम 7.0। तो टीम द ड्रीम 7.0 पर ये 25 सितंबर को फिल्म रिलीज़ की जाएगी। हालांकि इसका आज विश्व सिनेमा दिवस के अवसर पर 23 सितंबर को आज ट्रेलर लॉन्च किया गया है, और सीतापुर के इन कलाकारों ने उसमें दमदार अभिनय किया है और लोगों को एक मैसेज भी दिया है। तो आइडिया की सभी से अपील है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें, इस फिल्म को ज़रूर देखें, इन कलाकारों को प्रमोट करें। वैसे भी मैंने पिछले 6 महीनों से यहाँ पे कोई इंसान नहीं देखा, सारे जॉम्बी बन चुके हैं। वैसे ये बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हुआ बचा लिया तुमने इसको। सीतापुर से आई इंडिया के लिए प्रियांशु मिश्रा की रिपोर्ट।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।